रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इस दौरान लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति है कि आखिर रक्षाबंधन कौन सी तारीख पर पड़ रहा है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर किए देते हैं और आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कौन सा दिन शुभ रहेगा। दरअसल हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि के साथ भद्रा की उपस्थिति भी रहेगी। ऐसे में राखी का ये त्योहार दो दिन यानी 30 और 31 अगस्त तक बढ़ गया है। हिंदू परंपराओं में भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता और इस साल 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में बेहतर रहेगा अगर आप 30 अगस्त के दिन राखी ना बांधें। और अगर आप 30 अगस्त को ही राखी बांधना चाहते हैं तो आपको रात 9:01 तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके बाद भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि 30 अगस्त सवेरे 10:59 से लेकर अगले दिन यानी 31 अगस्त को सवेरे 7:05 तक रहने वाली है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि रात में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर आप भी इस चीज में विश्वास रखते हैं तो बेहतर होगा कि आप 31 अगस्त को सवेरे जल्दी उठकर सुबह 7:05 से पहले पहले राखी बांध लें।